आज का ब्लॉग आने का रीज़न यही है कि आज हम कहीं घूमने की तैयारी कर रहे हैं। ऑफिस की छुट्टी पड़ी थी और हमने सोचा यार कहीं मूड फ्रेश कर लिया जाए, और बस निकलने की तैयारी है। हम बताएंगे आपको हम कहाँ जा रहे हैं रास्ते में। तो गाइस अभी रास्ते में हम रुके हैं कुछ चाय वाय पीने के लिए। तो ये है मशहूर चोटी वाला रेस्टोरेंट। सो गाइस ये है कोटद्वार 55 किलोमीटर। सो आज हम जा रहे हैं कोटद्वार। सो यहाँ पे एक ढिल्लन पंजाबी ढाबा है और यहाँ पे जा रहे हैं हम लंच करने के लिए। सो कोटद्वार हम क्रॉस कर चुके हैं और ये पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। ये देखो अभी दूर दूर तक हमें पहाड़ी इलाका दिखेगा और हम जा रहे हैं दुगड्डा, जो कि 12 किलोमीटर है कोटद्वार से, और वहीं पे ही हमने रिजॉर्ट बुक कर रखा है। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रकातल रिजॉर्ट के अंदर, और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये पूरा एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है गाड़ियाँ आराम से जा सकती हैं यहाँ तक, यहाँ से ऊपर, और यहाँ पे आपकी इस जगह पे आपकी पार्किंग है। तो मीन आप गाड़ी लेके भी आराम से जा सकते हो। नीचे रिवर फेस आपका पूरा रिजॉर्ट है, और अभी लेके चलते हैं आपको, पूरा एक्सपीरियंस कराते हैं कि क्या क्या रूम्स अवेलेबल हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है, माहौल है, पूरा आपको दिखाएंगे। एक रास्ता ये रहा, यहाँ से हम जा सकते हैं ऊपर को, और एक रास्ता ये बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, और हमें जाना है यहीं से ही। ये सीमेंट के कट्टे रखे हुए इन्होंने। थोड़ा चढ़ाई पे है ये रास्ता। सो गाइस ये है रूम जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। तो ये यहाँ की सीढ़ियाँ, और एक यहाँ को जाती है जो कि हमारा नहीं, हमारा ये वाला है। तो आते ही यहाँ पे ये है सिटिंग एरिया, यहाँ पे हम अपना आराम से बैठ सकते हैं। ये देखो ये पूरा हम यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं, और ये है एक छोटा सा स्विमिंग पूल, और इसमें पानी पानी अभी पूरा नहीं है, आधा भरा पड़ा है। और ये यहाँ पे फ्रिज, ये एक रूम है, और ये वाला रूम हमारा है, अभी खोल के दिखाते हैं। सो लाइट हो चुकी है ऑन, और ये है रूम। यहाँ पर यहाँ पे बैठने का है, यहाँ पे सोफ़ा है, और ये बेड है, और सारा कुछ है यहाँ पे। एसी लगा हुआ है, टीवी है, और ये देखो बहुत सुंदर बनाया घर उन्होंने, पूरा वुडन वर्क है यहाँ पर। और अगर हम आगे जाएं तो ये है वॉशरूम, और ये वॉशरूम इसको खोलते हैं। ये देखो ये है वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, स्पेस काफी है वॉशरूम के लिए भी। और काफी अच्छा है। सो ये है यहाँ का रूम, और ऐसी सेम रूम दूसरी साइड है, उसी में वहाँ पे कोई और रह रहा है। तो यार ये है पूरा यहाँ का एरिया जो मैंने अभी आपको सब कुछ दिखा दिया है। सो अगर आप श्रेयस असवाल की वीडियोस देखते हो तो आपने साल भर पहले उसकी ये वाली वीडियो भी आई होगी, जहाँ पे वो उसने भी स्टे किया था कुछ दिन, और यहाँ का पूरा बताया था। तो ये है बेसिकली यहाँ का कुछ नज़ारा। तो गाइस अगर आप ये गाड़ी देख रहे हो ना, तो ये है श्रेयस असवाल की गाड़ी,
और वो अभी आ रहा है हमसे मिलने के लिए। शिव ससवाल रहता है कोटद्वार में, तो उसके लिए ये डेस्टिनेशन बहुत पास है। सो भाई ये आते हुए शिव ससवाल, तो भाई फाइनली शिव ससवाल आते हुए। सो यार हमारे साथ हैं श्रेयस असवाल। यार भाई को कौन नहीं जानता है, नमस्ते। और ये छोटा मेरा भाई पहाड़ी भाई, और अरे श्रेयस असवाल का दोस्त। वाह, आपने भी वीडियो में बहुत बार देखा होगा श्रेयस असवाल के साथ। रावत इंस्टाग्राम में नहीं बताता, एजे अंडरस्कोर रावत, RAWT है, ए लगा रखा बीच में भी बताता। शिवेश सवाल भाई, थैंक यू सो मच यार, आपने ये जगह बताई हमारे लिए और हाँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। कुछ दिन पहले भाई का मैसेज आया था, तुमने बोला था कि कोई बढ़िया सी जगह बताओ अपने शहर के पास या फिर थोड़ा पौड़ीगढ़वाल साइड। एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग पहले प्लान कर रहे थे ऋषिकेश का, तो वहाँ पे था बहुत रश, प्लानिंग सब कुछ हो गई थी, लेकिन हमने सोचा कि यार रश अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा पीसफुल जगह पे चलते हैं। तो मैंने कॉल किया शिवेश को, मैंने कहा भाई कुछ बढ़िया जगह, कोई शांत सी जगह, मतलब जहाँ पे थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट हो। तो फिर भाई ने ये रिजॉर्ट सजेस्ट किया है, रिजॉर्ट का नाम रॉकेटल रॉक्स रिजॉर्ट, ये दुगड्डा के पास में ही है। तो मैं तो जब भी किसी को भी सजेस्ट करना होता है तो मैं ये वाला रिजॉर्ट सजेस्ट करता हूँ, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे ये स्विमिंग पूल भी है, पूल है हाँ। अरे पर्सनल है, दो कमरों का अपना पर्सनल है, पर्सनल है। आपने बनाया वीडियो, डुबकी मारने बना लिया होगा फिर आपने, और बाद में बाकी भाई को भी देखोगे आप जलपरी जब बनेंगी भाई सॉरी चल परा। और श्रेयस भाई के साथ ऐसा नहीं लगा कि पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लगा कि यार पहले से जानते हैं। और तो मेरा यार प्लान था कि रुकूंगा आराम से बढ़िया करके मजे करेंगे, पर मेरे को कल कहीं निकलना है तो इसलिए मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, और अभी निकल रहा हूँ मैं घर को कोटद्वार अपना। धन्यवाद भैया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, पहली बार मिल रहा हूँ आपसे भी। यार थैंक यू सो मच अश्वाल भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वैसे। तो देखो यहाँ पे भाई के व्यूअर्स मिल चुके हैं, ये ब्लॉग में आएगा ना हमें बता देना। बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। मैंने बंदों को बोल दिया, देख लिया और मुझे बोल रहे थे हैं। ये बंदा देखा देखा सा लग रहा है, तुम मान ही नहीं रहे। मुझे बिल्कुल भी आईडिया नहीं था कि मतलब लोग नहीं जानते, मतलब शेयर तो सब करते हैं, वही बात है। बहुत सही कर रहे हो यार, गढ़वाली का अपना है कि नहीं? अरे गढ़वाली सही नहीं बोलते, बड़ा बहुत सही यार, मतलब मजा आता है, कॉमेडी है बढ़िया, बहुत बड़ा फैन था हम नाम दादा भाई अपने अपने। हमारा आकाश सुक्रेती, मैं विभोर नोटियाल। क्या बात है, आपकी आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको रिजॉर्ट का पूरा हमने A to Z जितना मैक्सिमम हो सकता है हमने आपको बता दिया है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जितने भी उत्तराखंड के वो लोग यार इजीली आ सकते हैं, मतलब यहाँ से दुगड्डा से इतना दूर है नहीं, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलते हैं, और अभी प्लान है हमारा ऋषिकेश जाने का, तो उसकी जर्नी भी आपको दिखाएंगे।